हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह सासू माँ ने नहा के पूजा पाठ कर दी, मैंने लगा के झाड़ू। अभी आधी पूजा पाठ करी, अभी आज पूजा पाठ करने के लिए जाना है। तो कुछ ऐसा अभी हाल हो रखा है हमारे कमरों का, धुआं ही धुआं, हर जगह धूप बत्ती जला रखी है। तो यहाँ रहा हमारा मंदिर, तो सासू माँ लगी है पूजा पाठ पे। तो अभी हमें जाना दूसरे मंदिर, तो मैं फटाक से नहाऊंगी, उसके बाद एक तो लाइट नहीं है, तो फिर देख सकते हैं आप लोग। मैं हो गई हूँ तैयार, बस अभी मांग वांग भरनी है, मंगलसूत्र वगैरह मतलब सब कुछ। और यहाँ चलने हैं कुछ ऐसा। लगो 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 गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है उत्तरायणी का दिन, मकर संक्रांति का दिन। तो सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, घुघुतिया की बधाई सबको। और आज अभी हम जा रहे हैं मंदिर पूजा पाठ करने के लिए, तो मैं उसके लिए हुई हूँ रेडी। और ये है हमारे लड्डू साहब। लड्डू साहब कैसे हो आप, कैसे हो। तो ये किटों में लगे रहता है, मेकअप किट इसको बहुत पसंद है, तो इसमें खेलते रहता है। और हमने लगाया टीवी जिसमें यूट्यूब भी नहीं चल रहा है, देखने चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है हमारे। सो गाइस, हम लोग हो गए मंदिर जाने के लिए तैयार। सासू माँ भी तैयार हो गई है वहाँ अंदर। और यहाँ ये भी लक्कू लक्कू ये देखो लक्कू। सो गाइस, यहाँ पे पूजा पाठ का सामान हमने कर लिया है तैयार कुछ ऐसे। सो गाइस, हम लोग जाने लग गए हैं मंदिर की ओर। और कोहरे के मारे आप लोग देख ही सकते हैं हाल कैसे हो रखे है, इधर को पूरा का पूरा वाइट हो रखा है। ये पल्ला डालो सर में। सो गाइस, ये रहा हमारा मंदिर। हां पाठ पढ़ा दो। जय हो पंडित जी। सो गाइस, यहां पर मेरी सासू माँ करने लग गई है पूजा, और हम देखेंगे वो कैसे पूजा करती हैं। थोड़ा सा जगह बनाओ तो, पैरों में ठंडा लग रहा है, सॉक्स भी नहीं पहने। सॉक्स पहनो पहले तो। यही सब हो गई। तो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और मम्मी ने यहाँ आलू रखे हैं, और मम्मी यहाँ पर काट रही टमाटर की झोली बनाई है सर मेरे ख्याल से ना। आलू कूट के टमाटर की झोली, भात और रोटी बना दो क्या, इतनी चीज बनाना ही है, क्यों खाएंगे, त्योहार है, चल फिर बना है ना। सो गाइस, सब मैं बनाने लग गई हूँ पूरियाँ, तो मेरी पूरी और पकौड़ी बन के तैयार है, थोड़ा और बनानी है। तो वहाँ छिल के रखे हैं आलू, तो इनके आलू कूट के बनेंगे। और बनानी है मैंने यहाँ कढ़ी चावल, अभी टमाटर की झोली और चावल, तो पूरियों का लग चुका है ढेर। सो गाइस, यहाँ पर हमारी सोना जी खाने लग गई है कैसा हो रहा। तो आलू गुटके ही बन चुके हैं, सब कुछ हो गया तैयार, चाय भी हो गई है तैयार, पकौड़ी पकौड़ी उसमें डाल थाली में। सो गाइस, यहाँ पर हमारे सासू माँ भी तैयार हो गई हैं, लक्कू भी तैयार हो गई है, सासू माँ भी तैयार हो गई है। हम बनाएंगे भी वीडियोस। गाइस, मैं घर के कपड़ों में हूँ, ये लोग तैयार हुए ला। सो गाइस, अभी हम करने लग गए घुघुते और खजूर की तैयारी, खजूर की पड़ेगी। और यहाँ पर सासू माँ करने लगी है सब तैयारियाँ, रखने लग गए सामान, मैं अब तक फोन चार्ज लगाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोग क्या करते हैं कैसे। सो गाइस, यहाँ पर घुघुते और खजूर के लिए हमने आटा निकाल लिया है, इसमें से अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा जो घुघुते के लिए कौन सा है और खजूर के लिए कौन सा था। ये होता है जब काम चोर बुआरियाँ होती है। हाँ, तो मुझे लग रहा है उसमें गोला दिख रहा है, तो वो खजूर वाला है और ये घुघुते वाला है। खाली दिखाने के लिए ब्लॉग बना रही है, बाकी तो साफ सुथरा का। तो अब आटा हटा घुघुते मैंने करा सब। हाँ और सासू माँ भी प्लेट इसके लिए ला दो लक्कू के लिए। तो सासू माँ भी लेके आ गए हमारे यहाँ पे भाने कुने। और पहले हमने आटा छान लिया, हाँ। उसके बाद हमने इसमें घी डाला, हाँ। एक पाव घी डाला और थोड़ा रिफाइंड डाला, हाँ। सोडा डाला और थोड़ा सा इसमें वो डाला सौंफ अजवाइन डाल करके मसल लेंगे इस आटे को हम।
इसको फिर क्या कहते हैं, इसमें क्या डालेंगे, कौन सा इसको पानी खूब मसलेंगे, खूब मसलेंगे। फिर से हमने गुड़ उबाला है, उसका पानी बनाया है, इसको गुड़ का पानी दिखाओ हमें। गुड़ का पानी ये है देखिए, इसको हम छानेंगे, गुड़ का पानी नहीं कहते, गुड़ का पाक कहते हैं। उसके बाद हम छान के इसमें मिक्स करके गूंथेंगे आटा, और वो जो बरात है उसमें हमने लिया है खजूर के लिए आटा, उसमें हमने गोला कस के डाला है, और अजवाइन डाली है, और क्या डाला है, घी डाला है, मतलब सभी चीज मिक्स की। तेरे पता खुद ही डाला, किसने डाला अजवाइन, घी, सौंफ, और यहाँ पर ननद हमारी ऐसी है, मिक्स करके फिर हम इसको मसल देंगे, खजूर है के लिए, और इसमें हमारे है घुकते के लिए। फर्क क्या है मम्मी, खजूरे और घुकते के आटे में फर्क ये है कि खजूरे वाले आटे में हमने थोड़ा डाला है सूजी, हाँ। और थोड़ा नारियल कसके, बाकी सब एक सा है। ये तो हो गया मम्मी वाला। ये बैठा है हमारा लक्षु, ये हमारा लक्षु है, ये अपने ननिहाल में घुकते बनाने के लिए आया है, लेकिन क्या करे, ये इसको तो बुखार आ जा रहा है, कभी उल्टी जा रही है, मम्मी का मुंह सफेद कर दिया है अपने कपड़े। आज कल से थोड़ा सही है, आज इसने घुकते बनाने, इसलिए आज ये सही हो गया है थोड़ा। सो गाइस, यहाँ पर घुकते वाला तो हो चुका है, पापा खजूर वाले की तैयारी चल रही है जो सोना गुदेगी, और मम्मी और यहाँ से पानी डाल रहे हैं, लक्कू बैठा है आगे से दीद निकाल रहे हैं, आंखें बंद कर करके, धूप लग रही है इसको शायद, और मेरा वाला इतना हो चुका है, और गूदना पड़ेगा इसको थोड़ा। हेलो गाइस, सो गाइस हमारी बेटी और बहू आटा गूंथते हुए, तो यहाँ पर सोना हमने कौन सा तार लगाया है, आटा गूंथते हुए ये लगी लगाया, लविक को दिखा हंस रहा हो मम्मी, ये देखो ये भी अपनी माम को देख के खुश हो रहे हैं, गुड बाय, इसका आंख खुजेगा रिश्ते। सो गाइस, यहाँ पर हमारे मक्सा जी आ चुके हैं, नमस्कार, हैप्पी घुघुते, और हमारे घुघुते बन चुके हैं, पर देख सकते हैं आप लोग, घुघुते खजूर डमरू ढक्कन बनाने के लिए क्या बना रखे हैं आज, और यहाँ पर मेरी शादी की वीडियो कैसे देख रही है, और यहाँ पर लक्कू खा रहा है हमारा खाना, लक्कू कावा ये देखना, भी स्टाइल देखना, ये। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर उलाने लग गए हैं, मतलब इनको तलने लग गए खजूर की घुघुते को, तो मेरी सासू माँ यहाँ पर खजूर घुघुते तल ली है, और मेरे को बैठा दिया ऐसे कुर्सी पर, बैठे रहो बल, मैं करूँगी बल, तो तेल से धो धो करो बल, ऐसे में कैसा काम चलेगा, और अभी इतने सारे और बचे हैं इधर, बहुत सारे घुघुते खजूरे इतने सारे करने हैं, और हम आए हैं अभी अपने गोदाम में, तो हमने ही लकड़ी में इसको तलने हैं, क्योंकि लकड़ी में ज़रा अच्छा हो जाता है कि, और गैस बच जाती है, अभी गैस हमें चाहिए रामायण भी हमारे घर में, तो इस वजह से गैस बचा रहे हैं हम दोनों, तो सासू माँ को आप लोग देख ही सकते हैं, मेरी कारीगर आए हैं आज हमारा। सो गाइस, अभी मैं बनाने लगी हूँ गुलगुले, मतलब पूरे पहाड़ियों में हम लोग बोलते हैं पूरे, और प्लेन्स में बोलते हैं इसको गुलगुले, तो इसमें मैंने डाला केला और गुड़ का पाग, जो गुड़ का पानी बचा हुआ था उससे मैंने ये बनाया है आटा डाल के, तो वहाँ मम्मी के हाल भी कुछ ऐसे हो गए हैं, मम्मी और मेरे हाल कुछ ज्यादा खराब है, वही तो घर वाले थोड़ी दुनिया को थोड़ी पता, मैं कह रही हूँ सिबॉल है सासू माँ का टॉर्चर दिखा रही है ब्लॉग में, तो बेचारी मम्मी के वैसे हाल हो चुके हैं, बेचारी मम्मी क्या होता है, अपना ब्लॉग करने दोगे नहीं करने दोगे, तो ये नंद है आप सबको पता है ननद के क्या हाल होते हैं, ये वही है, ये हमेशा मेरे ब्लॉग के बीच में घुस पड़ती हैं ऐसे करके, घुसते का तो मुझे जबरदस्ती खींच के ले जाती है अपने ब्लॉग में, तुम्हें कंटेंट चाहिए होता है ना। सो गाइस, सोना की बकवास के साथ मैं करती हूँ आज के ब्लॉग को खत्म यहीं पे, इट्स नॉट माय बकवास, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सोना की दूसरी बकवास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।